हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। समुद्री एक्सप्रेस हाईवे ने ली मुमरा के एक परिवार के 3 लोगों की जान। जानकारी के अनुसार मुमरा के दोस्ती कॉम्प्लेक्स के एमराल्ड इमारत में रहने वाले प्रोफेसर जावेद अख्तर की पत्नी और बेटी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बता दें कि कुछ ही दिन पहले ही समुद्री एक्सप्रेस हाईवे पर बस दुर्घटना में 26 यात्रियों की झुलसने से मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार प्रोफेसर जावेद अख्तर अपनी पत्नी और बेटे के साथ बकरीद के अवसर पर अपने गांव अहमदनगर गए थे और सुबह 6 बजे के वक्त वो मुमरा वापस लौट रहे थे। उसी दौरान समुद्री एक्सप्रेस हाईवे पर कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से जा टकराई। जिस हादसा इतना भयानक था कि घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि जावेद अख्तर साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल थे और हाल ही में वो मैकेनिकल के इंचार्ज भी थे। इस हादसे से पूरे दोस्ती कॉम्प्लेक्स में मातम पसरा हुआ है।